कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत, करप्शन, लोड शेडिंग और महंगाई। अच्छे हवाले कम ही हैं, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत वादी कागान भी है। नामालूम गहराई वाली परियों की झील सैफुल मुलूक, आसमान को छूती बर्फपोष चोटियाँ भी, पुरहैबत सहरा भी यहाँ मौजूद है और सरसब्ज वादियाँ भी। इस वीडियो में हम पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा सामने लाने की कोशिश करेंगे जो मीडिया में मनफी रिपोर्टिंग की वजह से कहीं गुम होकर रह गया है। शुरू करते हैं सबसे पहले फलक बोस बर्फपोष चोटियों से। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सिर्फ 14 हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इनमें केटू, नांगा पर्वत, गाशर बर्म 1, ब्रॉड पीक और गाशर बर्म 2 शामिल हैं, जबकि 7000 मीटर से बुलंद चोटियों की तादाद 108 है। सबसे पहले बात करते हैं केटू की, जिसे माउंट गोडविन आस्टन और शाहगोरी भी कहा जाता है। केटू दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक है। कठिन चढ़ाई और बेहंगम ढलवानों की वजह से कोहे पैमा इसे जालम पहाड़ी चोटी भी कहते हैं। दुनिया में 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक सिलसिला कोहे कराक्रम के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब जगलोट के एक मकाम से शुरू होकर शुमाल मशरक की तरफ दुराय कराक्रम पर खत्म होता है। कोहे कराक्रम की बुलंद तरीन चोटी का इलाकाई नाम शाहगोरी है। मकामी जुबान में शाहगोरी का मतलब पहाड़ों का बादशाह है। ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का एजाज रखती है, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। इससे 2 इटालियन कोहे पैमाओं ने 31 जुलाई 1954 को सबसे पहले सर किया था। केटू को माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल और खतरनाक समझा जाता है। केटू को अब तक 246 अफराद ही सर कर चुके हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट को 2238। 1856 में अंग्रेज सरकार ने जियोलॉजिस्ट गोडविन आस्टन और थॉमसन मॉन्टगोमरी के जरिए जब हिंदुस्तान के तूल और अर्ज की पैमाइश के लिए सर्वे कराया, तो थॉमसन मॉन्टगोमरी ने इस चोटी को कोराक्रम के की मुनासबत से केटू का नाम दिया। उससे पहले ये पहाड़ी सिलसिला दरियाफ्त करने वाले गोडविन आस्टन के नाम से मंसूब था और गोडविन आस्टन पहाड़ कहलाता था। अब इस नाम का एक ग्लेशियर मौजूद है। केटू तक पहुंचने में इंतहाई नासाजगार मौसम और जानलेवा चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। इसकी तकरीबन अमूदी चढ़ाई बहुत बड़ी रुकावट है। कई कोहे पैमाओं को जान से हाथ धोना पड़े। इसको सर्दियों में अब तक कोई कोहे पैमा सर नहीं कर सका था। पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सदपारा ने सर्दियों में इसको सर करने का रिकॉर्ड बनाना था, जबकि बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर्दियों में कई बार सर हो चुकी है। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8125 मीटर है और इसे दुनिया का कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। इस पर चढ़ने में अब तक सबसे ज्यादा कोहे पैमा मारे गए हैं और इसे एक जर्मन ऑस्ट्रियन हरमन बहल ने सबसे पहले 3 जुलाई 1953 में सर किया था। फेरी मीडो या परियों का मैदान नांगा पर्वत को देखने की सबसे खूबसूरत जगह है। इस जगह को ये नाम 1932 की जर्मन अमरीकी मुहिम के सरबराह ने दिया था। सियाहों की अक्सरियत फेरी मीडो देखने आती है। ये 3300 मीटर बुलंद है। दुनिया की 9वीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद चोटी नांगा पर्वत को सर करना कोहे पैमाओं के लिए हमेशा मुश्किल टास्क रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर के कोहे पैमाओं के लिए ये चोटी हमेशा से पुरकशिश रही है। कोहे पैमा जहां माउंट एवरेस्ट, केटू और दीगर बुलंद चोटियों को सर करने के हाव देखते हैं, वहां नांगा पर्वत सर करना उनके लिए किसी एजाज से कम नहीं होता। कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद चोटी राकापोशी हर वक्त बर्फ से ढकी रहती है और बादल इस पर साया फिगन रहते हैं। राकापोशी का मतलब ही बर्फ से ढकी हुई चोटी है। इसे मदर ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। बुलंद चोटियों में इसका दुनिया में 27वां नंबर है, लेकिन इसकी वजह शोहरत इसकी बेपनाह खूबसूरती और कोहे पैमाओं के लिए इसकी आसान रसाई है। राकापोशी के ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी आबशार बनकर गिरता है। गाशर बर्म 1, ये पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 11वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसे K5 और छुपी चोटी के साथ बल्ती जुबान में खूबसूरत पहाड़ भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के शुमाल में सिलसिलाए कोहे कराक्रम में वाकया है और इसकी बुलंदी 8080 मीटर है। गाशर बर्म 1 को सबसे पहले 5 जुलाई 1958 में 2 अमरीकियों ने सर किया था।
ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं और पाकिस्तान की 4थी सबसे ऊंची चोटी है। ये कराक्रम के सिलसिले में पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाकया है और इसकी बुलंदी 8047 मीटर है। इसे सबसे पहले 9 जून 1957 को एक ऑस्ट्रियन टीम ने सर किया। ये K2 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी चोटी तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसका नाम ब्रॉड पीक है। मकामी नाम फाय चान किंगरी या फुलचन किंगरी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक नहीं दो चोटियां हैं और अक्सर कोहे पैमा इसी वजह से गलती से 8015 मीटर बुलंद चोटी पर रुक कर वापस चले जाते हैं और 8047 मीटर की बुलंदी तक ना जाने पर कामयाब करार नहीं पाते। काशर बर्म 2, ये दुनिया का 13वां और पाकिस्तान का 5वां सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये कराक्रम सिलसिले में वाकया है और इसकी बुलंदी 8035 मीटर है। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाकया है। काशर बर्म 4, ये दुनिया का 17वां जबकि पाकिस्तान का 6ठा बुलंद तरीन पहाड़ है। इसकी बुलंदी 7925 मीटर है और ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान काशर बर्म की चोटियों में से एक है। इसको सबसे पहले 1928 में इटालियन कोहे पैमाओं की टीम ने सर किया था। दस्तागल सर, ये इसके बारे में कम ही लोगों को इल्म है, वो ये कि दुनिया की बुलंद तरीन दोशीजा चोटी भी पाकिस्तान में ही वाकया है। कोहे पैमाई की इस्तेलाह में दोशीजा चोटी से मुराद वो चोटी है जो अभी तक सर ना हुई हो। इस चोटी का नाम मोशो चीश है जो 7453 मीटर बुलंद है और ये दुनिया की 60वीं जबकि पाकिस्तान की 25वीं बुलंद तरीन चोटी है। 2014 में बरतानिया के मशहूर कोहे पैमा ने इसको सर करने की कोशिश की थी, लेकिन नहायत सख्त बर्फ ने इसे 6000 मीटर बुलंदी से वापस होने पर मजबूर कर दिया और इस तरह ये दुनिया की बुलंद तरीन दोशीजा चोटी सर करने में कामयाब ना हो सका। याद रहे कि एदाद शुमार की रूह से भूटान में वाकिया चोटी गंखर पोइंसम दुनिया की बुलंद तरीन दोशीजा चोटी है। इसकी ऊंचाई 7570 मीटर है, लेकिन हुकूमत भूटान ने देवमालाई और मकामी रवायात की वजह से इस पर चढ़ने पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान की मोशो चीश ही कुराए अर्ज पर बुलंद तरीन दोशीजा चोटी समझी जाती है, जिसको अब तक कोई भी सर नहीं कर सका। नागा पर्वत मुहिमात की तारीख पर अगर नजर डालें तो अब तक 335 कोहे पैमा इस कातिल पहाड़ को सर करने में कामयाब हुए हैं। इटली के मशहूर कोहे पैमा साइमन मोर और पाकिस्तान के अली सदपारा और स्पेन के एलेक्स टॉक्सन ने 26 फरवरी 2016 को सर्दी के मौसम में पहली बार ये चोटी सर करके रिकॉर्ड कायम किया था। 330 के करीब कोहे पैमाओं ने गर्मियों में नागा पर्वत को सर किया था, जबकि 68 कोहे पैमा ऐसे हैं जो मुहिम के दौरान या वापस आते हुए हलाक हुए। बहुत से कोहे पैमा फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाते हैं। मशहूर कोहे पैमा मोहम्मद अब्दा के मुताबिक फ्रॉस्ट बाइट अमूमन हाथों और पाओं पर हमला करता है, उंगलियां बेजान हो जाती हैं और उन पर दबाव या सर्दी का असर महसूस नहीं होता। शुरू में मुतासरा उज्व गर्म रहता है और इसमें सूजन आ जाती है और हासा नर्म होता है। कुछ अरसे बाद इसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं जिनके अंदर सुरही माइल और फिर गहरे रंग का माया जमा हो जाता है। जब वही अर्ज ठंडा होता है तो बिल्कुल बेहिस हो जाता है और उसमें खून का दौरा नहीं होता और बिलाहिर जिस्म का वो हिस्सा एक तरह से मर जाता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सरहद पर वाकया है, जिसकी बुलंदी 8848 मीटर है। नजीर साबिर वो पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने इसे 17 मई 2000 में सर किया था। कहा जाता है कि K2 अब तक 100 से ज्यादा अफराद का कब्रिस्तान है। कोहे पैमाओं का इसके बारे में कहना है कि K2 एक वहशी पहाड़ है जो आपको मारने की कोशिश करता है और आज तक इस पहाड़ पर जितने लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है उन हर 4 में से एक की जान इस पहाड़ ने ली है। इस साल 2021 में K2 को सर्दी के मौसम में सर करने के दौरान पहला हादसा 16 जनवरी को पेश आया, जब स्पेन के कोहे पैमा बेस कैंप 1 से नीचे उतरते हुए गिर गए और जाँ बहक हो गए। फिर 5 फरवरी को दूसरा हादसा बुल्गारिया के कोहे पैमा के साथ पेश आया, जब वो बेस कैंप 3 से नीचे आते हुए गिर गए। और फिर 5 फरवरी को ही एक दूसरी टीम के 3 अफराद जिनमें पाकिस्तानी कोहे पैमा और पोर्टर मोहम्मद अली सदपारा भी शामिल थे K2 से वापसी पर लापता हो गए और अभी तक लापता है। K2 पर जाँ बहक होने वाले अफराद आमतौर पर उसी पहाड़ के दामन में गुम हो जाते हैं और बर्फ उन्हें अपने नीचे छुपा लेती है और रेस्क्यू टीम के अफराद उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाते। यूं ये पहाड़ एक कब्रिस्तान है जिसमें 100 के करीब अफराद दफन हैं और इन अफराद की याद में K2 के बेस कैंप पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है जिसके ऊपर इन सब के नाम नक्श हैं।
उम्मीद है इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।